जाता है, सही सही पार्टी को जाता है, तो वह देश को और आपका तो पहले चरण में मतदान होना है, इसलिए पहले स्वयं मतदान करना और भी मतदान करने के लिए तैयार है, ये जरूर करना चाहिए। दूसरा, अपने वोट की कीमत को पहचानना, लोगों को उसके लिए तैयार है। याद करिए, आपका वोट अन्य लोगों के साथ में जाता था, तो बिजनौर अपनी पहचान के लिए मोहताज होता था। आपका वोट सही दिशा में गया तो विरासत भी और विकास का भी एक बेहतरीन उदाहरण महात्मा बुद्ध मेडिकल कॉलेज के रूप में बिजनौर वासियों को प्राप्त हो गया। यानी हरेक स्तर पर कैसे परिवर्तन देखने को मिला है, या आज हम सब यहां पर देख सकते हैं। यानी एक वोट की कीमत क्या होती है, गलत हाथों में वह वोट जाता है तो अराजकता फैलती है, और सही दिशा में जाता है, सही सही पार्टी को जाता है, तो वह देश को एक नई ऊंचाई को लेकर के आपकी आस्था का सम्मान करता है। मुझे बताइए कि अगर मोदी जी के नेतृत्व में सरकार नहीं होती और केंद्र और राज्य में सरकार नहीं होती तो क्या अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो पाया होता क्या? आप मुझे बताओ, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो देखो उत्तर प्रदेश का गौरव भी कुछ रूप में बढ़ता। अभी चौधरी साहब को भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित कर दिया, चौधरी साहब को यह सम्मान बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। भारत की नब्ज को अगर भारत के किसी राजनेता ने उस कालखंड में सही तरीके से पहचाना था तो वह नाम था चौधरी चरण सिंह जी का, जिन्होंने कहा था कि भारत की प्रगति का मार्ग देश के खेतों और खलिहानों से होकर के जाता, अन्नदाता किसान, जिस देश में 70 से लेकर 75% आबादी खेती बाड़ी पर निर्भर करती हो, वो किसान सरकार के एजेंडे का हिस्सा नहीं था। और पहली बार हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने चौधरी साहब के सपने को साकार करने के लिए अपने एजेंडे का हिस्सा, शासन के एजेंडे का हिस्सा अन्नदाता किसानों को बनाया। और जब उसके परिणाम आने प्रारंभ हुए तो भारत रत्न का सम्मान चौधरी साहब को भी लेकर के चौधरी साहब के माध्यम से न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश गौरवान्वित है, क्योंकि चौधरी साहब का सम्मान उत्तर प्रदेश से था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने देश को अपने अंगों में सेवाएं दी। इसलिए मैं आज के इस अवसर पर आप सबको इस बात की भी बधाई देता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि चौधरी साहब को उन्होंने भारत रत्न का सम्मान देकर के न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, किसानों को, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के गौरव को बढ़ाने का काम किया है। इसके लिए हम सब उनके प्रति आभारी हैं। मैं जो कह रहा था कि एक वोट प्रदेश को और देश को अराजकता की ओर भी ले जाता है जब गलत हाथों में जाता है, लेकिन जब सही पार्टी को जाता है तो वही वोट देश की तकदीर और तस्वीर को बदल कर देना देता है। क्या हालत थी 2014 के पहले देश की, कहां जा रहा था यह देश, अविश्वास था, देश की सीमाएं सुरक्षित थी, दुनिया के अंदर भारत की छवि बहुत खराब थी, भारत के पासपोर्ट की कोई कीमत नहीं बह रही थी, विकास के कार्य ठप से पड़ गए थे, कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में हुआ था और गेम्स संपन्न हो गए तब तक कार्य पूरे नहीं हो पाए थे, व्यापक भ्रष्टाचार फैला था और उस समय किस किस प्रकार की जांचें बैठी थी कौन नहीं जानता इन बातों। लेकिन
गलत हाथों में जनता ने नेतृत्व तो दिया था तो उस समय दुर्गति हो गई। 2014 का भारत, वैश्विक मंच पर भारत का सम्मान बढ़ा, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। क्या आज भी क्या कोई भारत की सीमा में घुसपैठ करने का दुस्साहस कर पाएगा? क्या नहीं कर सकता। कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो गई। हम बचपन से नारा लगाते थे, भाजपा के लोग और जनसंघ के लोग नारा लगाते थे, एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे। हम नारा देते थे जहां बलिदान हुए मुखर्जी व कश्मीर हमारा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर के लिए अपने आप को बलिदान किया और पहली बार 1952 के बाद पहली बार कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर में धारा 370 देश के अंदर उग्रवाद और आतंकवाद का कारण भी थी और हमारे सुरक्षा बलों के जवानों पर पत्थरबाजी के माध्यम से उन्हें चोटिल करने का काम भी करती थी। एक झटके में मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने धारा 370 को समाप्त किया, पत्थरबाजी भी समाप्त हो गई, आतंकवाद भी हमेशा के लिए समाप्त हो गया। कश्मीर से धारा 370 हटने का मतलब एक देश में एक विधान होगा, एक प्रधान होगा, एक निशान होगा। एक प्रधान एक निशान का भाव जिस प्रभावी ढंग से देश के अंदर लागू हुआ है आज हम सबके सामने है। आराम से बैठो, कोई बात नहीं। अरे अच्छा है आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, कुर्सी चुनाव लड़ते समय कुर्सी पूरी होती तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन धारा 370 समाप्त हो गई, अयोध्या में आस्था का सम्मान हो गया, गलत हाथों में वोट जाता है तो कर्फ्यू लगता है और सही हाथों में जाता है तो कावड़ यात्रा भी चलती है। अन्नदाता किसानों का सम्मान ऋण माफी से लेकर के कृषि सिंचाई योजना से लेकर के और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का, गन्ना मूल्य का भुगतान हो या फिर धान और गेहूं का क्रय, पहले बिचौलिए लेते थे, किसान देखता रह जाता था, आज एमएसपी से ज्यादा दाम अन्नदाता किसान को मार्केट में प्राप्त हो रहा है और हम भी इस बात से कहते हैं जहां किसान को लाभ हो किसान को अपनी फसल बच लीजिए। यानी सही दिशा में सरकार चलती है, एक वोट देश के विकास को रुख भी कर सकती है, आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ाती भी है और वह वोट सही हाथों में जाता है, देश की तस्वीर और तकदीर को भी बदल करने का देता है और इसी के लिए आपको अपील करने के लिए आपने कमोबेश दोनों सभी लोगों को देखा है, समाजवादी पार्टी को भी, बहुत बड़ी समाजवादी पार्टी को भी प्रदेश के अंदर शासन करते हुए देखा है और कांग्रेस ने तो लंबे समय तक देश के अंदर शासन किया। आपने सबके कार्यकाल को देखा है, इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि हमें मौका दीजिए। आज तो आपके पास एक अवसर है कहने के लिए कि भाई सबको अवसर मिला और सबसे अच्छा कार्यकाल मोदी जी का, कितना मोदी दस, मोदी की गारंटी आज देश के अंदर छा रही है। मोदी की गारंटी का मतलब 12 करोड़ अन्नदाता किसान को, 12 करोड़ अन्नदाता किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, 4 करोड़ गरीबों को सिर ढकने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की सौगात, 80 करोड़ गरीबों को देश के अंदर और अकेले उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, 12 करोड़ गरीबों को देश के अंदर आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा